चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जब एफआईआर होती है, केस बुक होता है, तो पूरे कांग्रेसी सड़क पे आकर सिद्धरमैया की मोहब्बत में निकलते हैं, चीफ मिनिस्टर की मोहब्बत में निकलते हैं, जिसका कलमा पड़े हैं, जिसका कलमा पड़े तुम्हारा फर्ज बनता है नामू से रिसालत पे अपनी आवाज बुलंद करना। आज हमारे कायदीन खामोश नजर आते हैं, ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मेरे आका से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लोहो हलम तेरे हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, नबी की मोहब्बत दीन की शर्त अव्वल है, अगर हो इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आज हमारे कायदीन जो है तो मुसलमानों के वोट लेकर मुसलमानों की क़यादत का दावा करते हैं, ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। नामू से रिसालत का मसला आने के बावजूद, गुस्ताख रसूल गुस्ताखी करने के बावजूद भी आज हमारे कायदीन खामोश नजर आते हैं। सिद्धरमैया चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जब एफआईआर होती है, केस बुक होता है, तो पूरे कांग्रेसी सड़क पे आकर जो है नाचते हुए नजर आते हैं, पुकारते हुए नजर आते हैं, चिल्लाते हुए नजर आते हैं, सिद्धरमैया की मोहब्बत में निकलते हैं, चीफ मिनिस्टर की मोहब्बत में निकलते हैं, जिसका कलमा पड़े हैं, जिसका कलमा पड़े तुम्हारा फर्ज बनता है नामू से रिसालत पे अपनी आवाज बुलंद करना, सरकार की अजमत पे अपनी आवाज बुलंद करना, उस गुस्ताख रसूल के खिलाफ एहतजाज करना, उसके खिलाफ जो गिरफ्तारी की मांग करना, ये आपका फर्ज था। आप जो है अपना फर्ज ये समझे है कि सबसे पहला फर्ज अपना ये समझे है कि सीएम के बारे में जो एफआईआर हुई है उसके खिलाफ एहतजाज करना, ये बड़े शर्म की बात है। मैं गुलबर्गे के आवाम का, गुलबर्गे के नौजवानों का, जॉइंट एक्शन कमेटी का और जेपी पार्टी का मैं दिल की अमीख गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो सहाबा के किरदार को, अब सहाबा के किरदार पे अमल करते हुए, ताबईन के किरदार पे अमल करते हुए और मुजाहिदीन के किरदार पे अमल करते हुए आज मुस्लिम चौक पे उतर कर रोजा पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन दर्ज करवा कर ये कहा है कि इसके खिलाफ एफआईआर बुक किया जाए। सर्कल साहब ने, यहाँ के डिपार्टमेंट ने तयखून दिया है कि इस मलून, इस गुस्ताख रसूल, इस बदबख्त के खिलाफ गुलबर्गा शहर, सरकार बंदा नवाज के शहर से एक एफआईआर दर्ज होंगी। सर्कल साहब ने ये हमको तयखून दिया है, इंशाल्लाह एफआईआर होने के बाद वो मीडिया के जरिए वो कॉपी यहाँ के आवाम को दी जाएंगी।